ऑपरेटर में एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट उसके बाद ये डॉट प्लस बन गया और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें इस तरह ए प्लस बी या ए और बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब इस पे अप्लाई होगा तो ये डॉट में कन्वर्ट होगा, एंड ऑपरेटर बन जाएगा और उसके बाद साथ में ए बी आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से एक रूल हम यूज करेंगे जिसमें डबल कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। स्टार्ट का आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट ए का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए भी आएगा, मीन्स कि अगर ए की वैल्यू 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो 1 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी या ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। जो एक्सप्रेशन की मैंने फंक्शन है हमारे पास एक्स उसका नेम है, उसके बाद ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इनटू ए का कॉम्प्लीमेंट है और ऑपरेटर है, उसके बाद बी सी और होल कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, पहले तो एक्सप्रेशन में एज इट इज लिख लिया सोल्यूशन के लिए और ए बी एज इट इज यहाँ से आ गया। उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद और ऑपरेटर एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट लाएगा और जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो बी और सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जब हम बी और सी को ओपन करेंगे जी ए बी एज इट इज, उसके बाद ए डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। हम साइड पर रेफरेंस के तौर पर लिख लेते हैं कि क्योंकि बिकॉज कोई भी रूल जो आपने अप्लाई करना है उसका रेफरेंस लाजमी साइड पे लिखना है, इसलिए नंबर होते हैं जी। ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिंपल ए, उसके बाद ये डॉट ऑपरेटर है और डॉट जब यहाँ पे आके अप्लाई हो गए बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने ओपन किया है, इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया और प्लस ये डॉट साइज के दरमियान में मल्टीप्लाई था मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और ये और ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद सी कंपोनेंट रहता हो गया। अब इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और अगर हम इसको बोलें तो ये हमारी सेकेंड टर्म है और सेंटर में क्या है डॉट ऑपरेटर है। तो फर्स्ट टर्म ये ए आ गया, उसके बाद डॉट ये वाला यहाँ पे और सेकेंड टर्म हमारी ये या इन दोनों में से हमने फर्स्ट वाले पिक किए जो कि बी कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद ये प्लस ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे आ गया और उसके बाद अगेन ये फर्स्ट टर्म ए यहाँ पे और सेंटर में डॉट है जो कि यहाँ पे होगा और उसके बाद ये सेकेंड टर्म है इनमें से जो सी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और रेफरेंस हम लिखेंगे इसका क्या by using डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी उसके बाद जो ब्रैकेट्स के बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर लेके आएंगे ए बी ये आ गया, उसके बाद ये अप्लाई हो गया साथ में ए और बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन प्लस ये वाला सिंबल और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ए बी और ए सी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर है, मतलब इनको हम मूवमेंट कर सकते हैं शफलिंग कर सकते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट ये दो चीजें एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। ये रेफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होगा, कल हमने पढ़ा था ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर है, जबकि प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर है, बी और बी कॉम्प्लीमेंट था जो कि 0 के बराबर है,
जब यहाँ पे जीरो आएगा तो सारे का सारा प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में ए बी और एक और चीज ए डॉट ए, मतलब ए अगर टू टाइम्स है तो ए के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू वन है तो वन डॉट वन क्या आएगा, वन ही आएगा। उसके बाद ए की अगर वैल्यू जीरो है, जीरो डॉट जीरो, एंड हमने ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, एंड गेट पढ़ा हुआ है, उसका आंसर जीरो आएगा। तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो ही एज इट इज आपको आंसर मिलेगा, मीन्स की ए डॉट ए आंसर में आपको ए मिलेगा। तो इसको हमने रिड्यूस कर लिया है, ये ए था, उसके बाद ये भी ए था, इसको हमने वन टाइम लिख लिया। तो यहाँ पे क्या बना है, ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, और जीरो को ऐड कर दे किसी भी टर्म में उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको हमने खत्म कर दिया, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए है, ये आपने ट्राई करनी है, इसको नोट कर लें और इसको अभी लेक्चर के बाद परफॉर्म कीजिएगा। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी है, प्लस ए है अगेन, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी है, जबकि इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट भी है, इसके ऊपर भी डी का ऑर्डर अप्लाई किया जाएगा। इसको आप नोट कर लें और नेक्स्ट में इसको परफॉर्म कीजिएगा। जो भी मिसिंग प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी है ट्राई करने के, उसके सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें जी, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन गिवन है और ये वही हो गया 15 पॉइंट, वो उसको मैंने 16 का नाम दे दिया है, ये प्रीवियसली मैंने डॉक बताया, और इसका आंसर भी सामने लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए फाइनली आफ्टर वैल्यूएशन। तो ये आंसर भी नोट कर लें, इसको भी देख लें, इसको आपने खुद से सॉल्व करके, और अगर ये आंसर नहीं आता तो आपने बता देना है, मैसेज कर देना, आपको सोल्यूशन दे देना। जी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर 17 पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर पेपर के अंदर आई हुई है, 2018 में भी आई है, 2019 के पेपर में भी आई है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में, फाइनल पेपर एग्जाम है, और जबकि एडीपी के पेपर में अपीयर हुई है दो दफा। जी एग्जांपल क्या है, प्रूव करना आपने कि एक्स वाई एक ये टू वेरिएबल्स का थ्री वेरिएबल का फंक्शन है, सॉरी एक्स वाई है, उसके बाद प्लस एक्स और जी है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऊपर बार भी हो सकती है, प्लस एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन के बराबर आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और फाइनली हमारा नेट रिजल्ट जो है वो वन के इक्वल आना चाहिए। जी पहले तो हमने एज इट इज लिख लिया है उठा के लेफ्ट हैंड साइड को, और उसके बाद सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लेते हैं, जी बेटा जी एज इट इज हमने लिख लिया एक्स और वाई, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखा गया, और ये वाली टर्म हमने स्वैप की है इस साइड पे, इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद उसको अप्लाई कर लेते हैं, x यहाँ पे आ गया और y कॉम्पोनेंट यहाँ पे आ गया, प्लस इस वाले को उठाकर हमने साइड पे शिफ्ट किया, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मोमेंट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमेंटेटिव लॉ। जी यहाँ पे क्योंकि x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखें तो x और x इन दोनों टर्म में से x कॉमन है जो कि हमने बाहर लिख लिया है, और जो मैंने बोला था कॉमन तब आपने लेना है जब उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कोई फर्दर उसके ऊपर रूल अप्लाई हो रहा है। कल हमने पढ़ा था कि y प्लस y कॉम्प्लीमेंट जो फ्रेंसिस के अंदर बचेगा वो किसके बराबर होगा, वन के, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एप्लीकेबल है, दैट से हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सो x इंटू y प्लस y कॉम्प्लीमेंट, और प्लस इसके ऊपर हमने डी मॉर्गन अप्लाई किया है, और क्या बनेगा जी x कॉम्प्लीमेंट डॉट ऑपरेटर जो सेंटर में था प्रोडक्ट था वो एंड में एंड से और में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ री मॉर्गन लॉ, और यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट बच गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्स एड इज इट इज, और इसका जो आंसर आया वो हमने वन के बराबर यहाँ पे लिख लिया, ये डॉट ऑपरेटर इसके साथ चल रहा है,
जब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सिंपल एक्स ही बनेगा, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट है प्लस जी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। रेफरेंस आपने साथ में बताते जाना है, बिकॉज वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक्स यहाँ से मिला इस साइड से, इस पूरे को एक्स के बराबर लिखा हम लोगों ने, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट है प्लस जी कॉम्प्लीमेंट है जी। इन दोनों को अगेन हम परफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है, x plus x complement again 1 के बराबर होता है, plus z complement हमने ऐसे कर दिया। और operator की functionality आपको पता है, और gate भी हमने पढ़ा था, और का truth table भी पढ़ा था, और छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th 10th के अंदर, फर्स्ट ईयर में भी इसकी truth tables वगैरह होते हैं। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर 1 आ जाता है एक भी तो उसका आंसर 1 ही मिलेगा आपको। ये देखें जी, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे और ऑपरेटर है और गेट है, प्लस का सिंबल है। यहाँ पे अगर वैल्यू जीरो होगी, अगर वैल्यू वन होगी, डोंट केयर द वैल्यू ऑफ जी, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी आंसर में आपको वन ही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हुआ है यहाँ पे, प्लस का। तो ये रूल आपने याद रखना है, वन प्लस एनीथिंग मतलब वन प्लस ए हो, वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो, किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे मिला है। जी नेक्स्ट आगे थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं जी। बेटा जी पीडीएफ आपको आज सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह पक्का। ये जो है ना अभी मैं स्कैन करता हूँ डेली बेस पे, हैंडआउट्स मेरे पास है हार्ड फॉर्म में ना, अभी मैंने स्कैन किया है और उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पीडीएफ बना नहीं हुआ अभी, कुछ बने हैं कुछ, आपके फर्दर फर्दर डेली बेसिस पे भी काम कर रहा हूँ, साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ ताकि मुश्किल ना हो आपको सब्जेक्ट में ना। तो जितना है वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, ठीक है, जितना हम पढ़ चुके हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग खुद से काम करें थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट नोट्स आ जाते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, उसमें कोई भी वर्क नहीं करता। कुछ चंद सीधा सीधा दो चार छह लोग होते हैं जो वर्किंग वाले बच्चे होते हैं, और क्लास को मैंने लाइव पढ़ाया है, देखा है बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, वर्किंग वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिलीवर करूँ लेक्चर, शेयर करूँ वीडियो, आप उसको करें, परफॉर्म करें, सुने, देखें, नोट्स खुद बनाएं। एट द एंड तो फिर जब नहीं कुछ करेंगे तो वो तो जाहिर है आपको देना ही देना है, डेटा आप पढ़े ना पढ़े सब कुछ। साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें और साथ साथ काम किया करें, मोबाइल को देखना लेक्चर लेना नहीं होता जी। इम्पोर्टेंट रहा है जी, इसको दो नामों से हम याद करेंगे, एमसीक्यूज के लिए भी खास तौर पे और प्रूफ के लिए भी आ सकता है, और डायरेक्टली कैलकुलेशन भी आपको इसकी आनी चाहिए, मतलब अगर आपके सामने एक्सप्रेशन आता है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये आएगा। थोड़ा सा केयरफुली आपने देखना, ऑब्जर्वेशन इसकी करनी है, मैंने एरो शेरो बना के समझाने की कोशिश तो की है। यदि एक्स और वाई है दो वेरिएबल है, और यहाँ पे देखें तो ए और बी है, सिर्फ नाम चेंज हुए हैं बाकी लुक सेम है। उसके बाद एक्स फर्स्ट वेरिएबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और इसके बाद थर्ड वेरिएबल है z, इसमें से पहला हमने पिक किया उसका कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद थर्ड वेरिएबल आ गया, प्लस y और z मतलब ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, मतलब तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। इस वाले टर्म में दो वेरिएबल हैं, इस वाले टर्म में भी दो वेरिएबल हैं, और इस वाले टर्म में भी दो वेरिएबल हैं, ठीक है, जबकि डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वाई जी है, और यहाँ पे x वाले का कॉम्प्लीमेंट है और तीसरा वेरिएबल है। अब इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए जी, इसमें वेरिएबल हमारा x है और दूसरे में x का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों टर्म हमारे पास रह जाएंगी। जो थर्ड टर्म होगी ना, जिसमें ये वाला वेरिएबल होगा और ये वाला वेरिएबल होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसका आंसर फाइनली क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी। इसी तरह जब हम इसको देखते हैं, ए बी है, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट सी है और बी सी है, तो इसमें से हमारे पास ये पहली दो टर्म बच जाएंगी, ये थर्ड टर्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और नाम आपने क्या इसका याद रखना है, कंसेंसस थ्योरम है या फिर इसको रिडंडेंसी थ्योरम भी बोला जाता है जी। इसको प्रूफ करते हैं कि इसको किस तरह से रिड्यूस करना है, उसके लिए
छोटा सा टैक्टिक्स आपने अप्लाई करना है, हमने पढ़ा था कि ए या एक्स ले लें या ए ले लें, ए डॉट वन इसके बराबर होता है, ए डॉट वन इसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम वन से अप्लाई कर ले मल्टीप्लिकेशन तो। और इसके साथ हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ पे y और z हमारे पास अवेलेबल है, तो ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे और इसकी जगह पे हम जो ने रिडक्शन की थी, अगर हम यहाँ पे b इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ये हम आगे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये आपके सामने रिड्यूस फॉर्म देगा और उसको आपने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड क्या होती है, एस ओ पी क्या होता है, पी ओ एस क्या होता है, इन शाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपने ये देखना है कि ए डॉट वन है तो इसके बराबर होगा ए के, मतलब अगर हम ए सिंपल को साथ वन मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू, और अगर आपने यहाँ पे बी लाना है इस वाले टर्म में तो क्या लिखा जाता है, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा वन की जगह पे, क्योंकि वन के बराबर है, हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा किसके बराबर है, वन के बराबर है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने सी इंट्रोड्यूस करवाना है तो ए डॉट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये छोटी सी एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है और इसको आपने परमानेंटली जेन मशीन कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। जी बेटा जी, मैंने बोला कि जो थर्ड टर्म है ना, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक तो ये है कि ए एक्स है, उसके बाद दूसरे में एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, इसको आपने एज इट इज लिखना है। लेकिन जो थर्ड टर्म है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक्स यहाँ से लिया गया, जी यहाँ से लिया गया, उसके साथ आपने वन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और नेक्स्ट में आपने इसके साथ कौन सा वेरिएबल मिसिंग था, इस वाले टर्म में y था, z था, x मिसिंग था, और x को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, ये x प्लस x कॉम्प्लीमेंट किसकी जगह पे, 1 की जगह पे। आगे फिर ये एज इट इज आ गया नीचे, ये भी एज इट इज लिख लिया गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x ये वाला, y और z ये हो गया, उसके बाद x कॉम्प्लीमेंट ये वाला और y और z यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिंपल सा ला है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये वाला, जी एक्स और वाई यहाँ पे लिख लिया गया, उसके बाद यहाँ पे हाँ ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में से कॉमन लिया गया, और एक्स और वाई यहाँ से कॉमन लिया गया, ये एक्स वाई इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, एक्स वाई बाहर ले लिया, इस पूरे की जगह पे वन बच गया, प्लस यहाँ पे जी बच गया। और ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि किसी के साथ भी वन को अप्लाई करें तो वन के बराबर आता है, वन प्लस जी पूरा वन हो जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, ये एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई है, और उसके बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट सॉरी और जी ये, और एक्स कॉम्प्लीमेंट और जी इसमें से, और इसमें से यहाँ पे हमने कॉमन लिया है एक्स कॉम्प्लीमेंट जी, एक्स कॉम्प्लीमेंट जी यहाँ पे कॉमन लिया गया, इसमें से वन बचा ये आ गया, और यहाँ पे वाई बचा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में इनकी और इनकी वैल्यूज पुट कर दें, एक्स वाई इंटू वन ये हो गया, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी इंटू वन ये हो गया, और रेफरेंस के तौर पर हमने यहाँ साइड पे लिख दिया, अगेन एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी। मैंने स्टार्ट में बोला था कि इसका रिड्यूस फॉर्म होके जो थर्ड टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और ये शॉर्टकट बचेगा। स्टार्ट पे क्या था, एक्स वाई था, एक्स कॉम्प्लीमेंट जी था, प्लस y और z था, ठीक है। और कहीं भी तीन तरह के एक्सप्रेशन आएंगे तो इसका शॉर्टकट अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, और ये आपने याद रखना है कि इस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, और जो वेरिएबल यहाँ पे उसका डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे होगा, और नेक्स्ट केस में इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा। वेरिएबल के नाम कोई भी हो सकते हैं लेकिन इस तरह की फॉर्म बनेगी। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट पे क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन था पहले नंबर पे, जो चीज आपको याद होनी चाहिए इसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दो नाम लिखे गए हैं, कंसेंसस थ्योरम है और रिडंडेंसी थ्योरम है। आगे फिर इसकी फॉर्म आपको याद होगी कि एक्स वाई वेरिएबल है प्लस
एक्स का कॉम्प्लीमेंट है और थर्ड वेरिएबल है जी प्लस ये सेकंड वेरिएबल और ये सेकंड वेरिएबल इनका कॉम्बिनेशन थर्ड में है, ठीक है। इसी तरह से ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, बी और सी, ठीक है, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट है ये और ये, ठीक हो गया। स्टार्ट कैसे लेना है हम लोगों ने, जो थर्ड वेरिएबल है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसका और इसका, उसके साथ आपने डॉट को मल्टीप्लाई करना है, डॉट वन करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ पे कॉमन था जिसका कॉम्प्लीमेंट चल रहा है यहाँ पे लाइक दिस वन और दिस वन, इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसके साथ और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल होगी फर्दर स्टेप्स के बाद। आ सबसे पहले तो हमने सॉरी एक्स वाई एज इट इज लिखा, एक्स कॉम्प्लीमेंट जी लिख दिया प्लस वाई जी डॉट वन अप्लाई किया सिंपल, और हम किसी के साथ भी डॉट वन अप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट वन बराबर है ए के, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए। जी नेक्स्ट स्टेप, अब कौन सा वेरिएबल आना है यहाँ पे, वन की जगह पे आप तीन चीजें लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, जी प्लस जी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। कल बार बार हमने इस तरह के न्यूमेरिकल्स को फॉर्म किए हैं, ये वन के बराबर है। अब हमने x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा, बिकॉज इस वाली टर्म में ये वेरिएबल मिसिंग था, और कौन सा वेरिएबल मिसिंग था, जिसका कॉम्प्लीमेंट है, ये x है और ये x का कॉम्प्लीमेंट है, इसकी फॉर्म वो चेंज कर सकता है, y के ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन फॉर्म आपने अंडरस्टैंड करनी है, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही वेरिएबल आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और थर्ड वेरिएबल का हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली है। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, आपने 10-15 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कॉमन लेना उसके बाद अप्लाई करना रूल, वो सिंपल है जी। इसको हमने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद ये भी आ गया हमारे पास और ये टर्म हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स आ गया उसके बाद वाई और जी, ये बन गया थर्ड टर्म, उसके बाद यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट था ये वाला, ये देखें जी एक्स कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद फिर वाई और जी है वो लिख दिया गया। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स वाई, एक्स वाई जी है तो एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे वन बच गया और यहां से रेड वाले अंडरलाइन जो किया इसमें से जी बच गया, इन दोनों में से ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, इसमें से एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉमन लिया और इधर वन बच गया, इस जगह पे इस पूरे की जगह पे वन लिखा हम लोगों ने, उसके बाद प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जी बाहर आ गया और वाई अंदर बच गया, ठीक है जी। नेक्स्ट में इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया वन वन और कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 2018 केडीपी पेपर में अपीयर हुआ है ये वाला, इसको आपने देखना है और इसको जरा एक दफा परफॉर्म करें, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ।
जी नेक्स्ट में सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है और फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर, ये हमारा x कॉम्प्लीमेंट है जी, उसके बाद ये x और y है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म x कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद ये वाला है x आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये डॉट ऑपरेटर है वो सेंटर में आ गया यहाँ पे, और अगेन फर्स्ट टर्म x कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑपरेटर और बाद में ये y हो गया, ठीक है। इसी तरह ये एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। जी अगेन फिर ये किसके बराबर हो गया, वन के बराबर आ गया। उसके बाद ये हमने एज इट इज लिख लिया और प्लस ये आ गया, उसको एक्सपेंड कर लिया जी, हमने ब्रैकेट को खत्म कर दिया। एक्स कॉम्प्लीमेंट है प्लस वाई है, उसके बाद प्लस वाई और जी कॉम्प्लीमेंट है। प्रैक्टिस लाजमी करनी है बेटा जी आपने, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है और पेपर में अक्सर आते हैं 7 नंबर 8 नंबर का 4 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 नंबर का लाजमी होगा, एमसीक्यू स्टैंड भी इसमें से 1-2 लाजमी आएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है बुलियन एक्सप्रेशंस की, बुलियन फंक्शंस की यूजिंग के मैप्स। के मैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज भी आपने ज्वाइन करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इन दोनों को कवर करने के बाद एक असाइनमेंट मैं बना के दूंगा आपको, कुछ एक्सप्रेशन शेयर करूंगा, उसको आपने दोनों से सिंप्लीफाई करना है, के मैप को इस्तेमाल करते हुए भी और बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए, पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए या फिर इसके थ्योरम्स को यूज करते हुए। जी नेक्स्ट में यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट हमने एज इट इज लिख लिया, उसके बाद दोनों में से वाई कॉमन है जी, वाई कॉमन लिया, उसके बाद वन प्लस जी कॉम्प्लीमेंट है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि किसके बराबर है, वन के बराबर है। सिंपल 2-3 रूल अप्लाई होते हैं, बाकी कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। और अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन उठाता है हर न्यूमेरिकल का, 10 या 15 की हैं, 20 की हैं, सारे के सारे अपने हाथ से परफॉर्म करें, समझ लें, देख लें, सुन लें, लेकिन खुद से सारा काम करें, फिर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन आएगा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नोट्स भी आपके बनेंगे, आप नेक्स्ट प्रोफेशनली आगे डिलीवर भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है वो खुद अपनी रिकॉर्डिंग करके, अभी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग कर करके अपना चैनल बना के चला रहे हैं, तो इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। आप में सर हर तरह की स्किल है, आप कर सकते हैं, टैलेंट है आप में, टाइम भी बहुत ज्यादा है, कॉलेज बंद है, हर वक्त घर बैठे हैं वेले, तो कुछ ना कुछ करते रह करें मेरा बेटा, फारिग नहीं बैठना आपने टाइम के साथ, इतना इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम है आपकी लाइफ का, इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और अब भी टाइम है इसको यूटिलाइज कर लें, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग इस्तेमाल कर लें, ट्रेनिंग यूज कर लें, अपने आप को स्किल को डेवलप करें, वेब के अंदर काम करें काफी सारा। जी बिजी लोग हैं आप, हाँ जी पता है मुझे जी। 20 नंबर पे है जी, इसके अंदर एक्स है वाई है, उसके बाद एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट है वाई और जी कॉम्प्लीमेंट है। बी एस फोर ईयर के पेपर 2011 के पेपर में अपीयर हुआ ये वाली एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इसमें क्या मिलता है बेटा जी, एक्स वाई है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जरा सिर्फ इन तीनों टर्म को स्टडी करें, जरा इसके साथ हमें क्या करना है। यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट है y है, उसके बाद z कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है, सिर्फ x यहाँ से कॉमन बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर हमने कॉमन लिया यहाँ पे अंदर जो रह गया, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पता अप्लाई हो जाएगा, ये एक टर्म है और ये आगे 2 टर्म है। जी उसके बाद ये तीसरा एज इट इज हमने लिख लिया, और x हमने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया, इसका सारा लिया, और y प्लस y कॉम्प्लीमेंट है ये साइड पे हो गया, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यहाँ पे है वो आ गया, और y और z कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रेफरेंस हमने दे दिया। उसके बाद है जी x एज इट इज, और यहाँ पे 1 बन गया, और ये सिंपल है। नेक्स्ट आगे चले तो x स्क्वायर ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया, बाकी सारा एज इट इज है जी। यहाँ पे फिर अंडर मल्टीप्लाई किया गया, एक्स वाई है, उसके बाद एक्स और जी कॉम्प्लीमेंट है, प्लस
एक्स कॉम्प्लीमेंट है, वाई है और जी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक्स यहाँ पे, जी कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन लिया गया, इधर भी था जी कॉम्प्लीमेंट और इधर भी था, तो यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पे एक्स है प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई यहाँ पे बचा। अगेन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, जी नेक्स्ट में यहाँ पे देखें जी कॉम्प्लीमेंट था और इसको हमने अप्लाई कर दिया डायरेक्टली। और कल मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन लॉ एक ना, कि यहाँ पे अगर एक वेरिएबल है इधर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये वाला वेरिएबल एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके भी कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एक्स का एपोर्ट परफॉर्म कर लें, लेकिन मैं रेफरेंस दे दिया कि ये वाला जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख दिया एक्स वाई है उसके बाद प्लस जी कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस z कॉम्प्लीमेंट इनटू y, ये इसका फाइनल आंसर है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, मॉरिस मानो की बुक 2.2 एक्सरसाइज नंबर से उठाए गए हैं, तीन चार कैटेगरी है इसकी, इसको देख लीजिएगा जरा। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को, मिनिमाइज मिनिमम नंबर ऑफ लेटरल्स, मतलब कम से कम वेरिएबल्स तक आपने इसको रिड्यूस करना है, मैक्सिमम ज्यादा आप कर सकते हैं। है क्या x कॉम्प्लीमेंट है, y कॉम्प्लीमेंट है प्लस x y है प्लस x कॉम्प्लीमेंट ऑफ y है। जी यहाँ से फर्स्ट और थर्ड टर्म में से x कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन लिया, उसके बाद अंदर क्या बन गया, y कॉम्प्लीमेंट है और प्लस y है, ये रिड्यूस हो जाएगा 1 के बराबर आ गया, और ये सेकंड टर्म हमने यहाँ पे लास्ट पे लिख लिया। उसके बाद है जी ये 1 के बराबर हो गया और x कॉम्प्लीमेंट प्लस x और y है, इसको हम अभी पढ़ा के रिड्यूस हो गया, क्या बनेगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y पड़ेगा। कल पहला दूसरा न्यूमेरिकल देखिए क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, लेकिन अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आप करना तो वो भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म हमारी प्लस ये वाली टर्म और डॉट ऑपरेटर यहाँ पे, उसके बाद ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड वाली टर्म यहाँ, और ये 1 के बराबर हो गया और बाकी के बचा हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, दैट इज आंसर। जिसके साथ एक और न्यूमेरिकल है बी पार्ट इसका, ये देखें ये x प्लस वाई है उसके बाद x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, यहाँ पे ये x डॉट x हो गया, उसके बाद फर्स्ट टर्म होगी सेकंड टर्म प्लस ये और ये x डॉट x, उसके बाद प्लस ऑपरेटर और x और y कॉम्प्लीमेंट उसके साथ प्लस ऑपरेटर अगेन, फिर ये वाला और ये वाला x और y, फिर प्लस ऑपरेटर और फिर y और y का कॉम्प्लीमेंट, ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने कि 1 0 के बराबर होता है, डॉट ऑपरेटर है, इसकी जगह पे 0 पुट कर लिया, और रेफरेंस के तौर पे लाजमी आपने लिखना है बिकॉज y डॉट y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट